सीआरबी सॉलिड रिटायर्ड और रीजन एग्रो की ओर से विदर्भ के किसान व्यवसायिक और सामाजिक संस्था के लिए नैसर्गिक खेती इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में संस्था के अधिकारियों की ओर से साथ ही खेती विषयक अभ्यासक की ओर से नैसर्गिक रूप से कपास की फसल कैसे की जाए इस बात की जानकारी दी गई। संस्था के अधिकारियों का कहना है कि विदेशों में कार्बन के साथ कपास की मांग है, मगर अपनी खेती में कार्बन है ये किसानों को पता नहीं रहता। इसी के लिए ये संस्थाएं किसानों के पास जाकर उन्हें इस बात की जानकारी देकर उनका कार्बन बेचने में उनकी मदद करेगा। संस्था का उद्देश्य ही महाराष्ट्र को कॉटन के विश्व में अव्वल बनाना है, साथ ही देश विदेश की कंपनियों से किसानों को जोड़ना और ये सभी प्रकल्प सरकार के साथ चलाने हैं। जी, सॉलिडरिटैंड एक 54 साल पुराना संस्था है जो कि महाराष्ट्र में कपास के किसानों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग करीब इस समय 70,000 किसानों को सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और कोशिश है हमारी कि एक जो नया स्कीम हम लोग ला रहे हैं रीजन एग्री, जो कि किसानों को एक कार्बन का भी बेनिफिट देगा। कार्बन के आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। बड़े सारे कंपनियां आज नेट ज़ीरो कमिटमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि किसान अपने अच्छे किसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से अपने ज़मीन में ही कार्बन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने 8,000 किसानों के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया और यहीं पे महाराष्ट्र में, और जिससे हमारे को पता चला कि आज के दिन में एक एकड़ के ज़मीन में $24 तक कार्बन बेनिफिट मिल सकता है, जो हम लोग करवा रहे हैं। आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें हमारी इच्छा हमारी कोशिश ये रहेगी कि महाराष्ट्र से शुरू होते हुए भारत विश्व का सबसे बड़ा रीजन एग्री कॉटन का भूमि बने, और दूसरा कोशिश यह रहेगी कि हम लोग किस तरह से कंज्यूमर तक, जो उपभोक्ता है उन तक हम लोग इस रीजन एग्री कॉटन और जो किसान है उसके पीछे उनको हम लोग पहुंचा सके थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। और तीसरा तरीका ये कोशिश ये रहेगी कि जो नए किसानों के लिए जो नए इनकम का अपॉर्चुनिटी है जो कि कार्बन के थ्रू से बन रहा है, उसको हम लोग उनको सुविधाजनक तरीके से किस तरह से ला सके, तो यही हमारी कोशिश है। और 1,00,000 किसानों को हम लोग 2 साल में हम लोग ये सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं, और आखिर उसके बाद इस डिकेड तक करीब 5,00,000 किसानों तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। एक तो आज के दिन में कपास के भाव के अलावा कार्बन का भी भाव बहुत बढ़ा हुआ है बाजार में, तो कार्बन एक नया इनकम का जरिया बन रहा है किसानों के लिए। तो करीब आपको मैंने अभी कहा कि एक एकड़ के ज़मीन में ही करीब अभी जो हम लोगों ने देखा है कि $24 तक उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है पर एकड़। दूसरा चीज़ ये है कि क्योंकि ये लोग रीजन एग्री सर्टिफाइड हैं, तो इनको बहुत सारे कंपनियां ढूंढ रहे हैं ऐसे किसानों को जो कि कपास सप्लाई कर सके जो कि रीजन एग्री सर्टिफाइड है। जब आपका सप्लाई सीमित होता है और ज़रूरतें ज़्यादा होते हैं तो भाव अपने आप बढ़ने लगता है। हमारे जो किसान हैं जो रीजन एग्री सर्टिफाइड है ऑलरेडी, उनको 3-5% प्रीमियम में सामान बेचने की तजुर्बा हो रहा है, और आगे भी जाके उनको और ये दाम बढ़ने वाले हैं जो कि उससे वो लोग लाभदायक हो सकते हैं। इनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।